तो जी कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये ब्लॉग आएगा आपको मंडे को, तो हैप्पी मंडे सबको। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने बेड बॉक्स से अपना कुछ सामान निकाला है जो कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला होगा। तो ये देखिए मैं क्या निकाल रही हूँ, ये मैं निकाल रही हूँ एक राजस्थानी लहंगा कह लो इसको, और ये दुपट्टा है, ये मैंने जयपुर से लिया था। तो ये बहुत प्यारा है, इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी है जो कि मैं बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पा रही थी अकेली, लेकिन थोड़ा बहुत कर लिया मैंने, जो भी मेरे पास घर पे सामान अवेलेबल था इस टाइम पे उससे मैंने ये लुक मैंने क्रिएट किया है। नहीं तो राजस्थानी औरतें बहुत सुंदर होती हैं और बहुत अच्छे से रेडी होती हैं। मेरे पास इतना सामान नहीं था जो कि जैसे वो गले में पहनती हैं, हाथों में पहनती हैं, वो मेरे पास नहीं था, इसलिए मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने उन चीज़ों को इकट्ठा करके थोड़ा सा एक चुटकू सा राजस्थानी लुक तैयार किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो आपके सामने ही तैयार हो रही हूँ, विदाउट मिरर में तैयार हो रही हूँ, मिरर में नहीं देखा है मैंने बिल्कुल भी, और बहुत ही कम सामान यूज़ कर रही हूँ क्योंकि राजस्थानी औरतें इतना ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है मेकअप नहीं करती हैं, वो ऑलरेडी ही इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत होती हैं और उनका लिबास इतना खूबसूरत होता है, हर चीज़ ढकी हुई होती है और मुझे वो बहुत पसंद है, उसको वो पोशाक बोलते हैं। मुझे सच में, मैं जयपुर में थी तो मेरी फ्रेंड्स राजस्थानी थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी वो, तो मैंने थोड़ा सा ये वो लैक्मे का 9 to 5 क्रीम था ये मैंने लगा लिया थोड़ा सा फेस पे, इससे पहले मैंने नहाने के बाद जस्ट मॉइस्चराइजर लगा लिया था, तो बस मैंने सिर्फ यही लगाया और कुछ ज़्यादा नहीं लगाया है। तो बस इतना ही मन था आज मेरा लगाने का, बस यही मैंने क्रीम लगा ली है। मुझसे संभल नहीं रहा है। तो सबसे पहले एक औरत का श्रृंगार है सिंदूर, जो कि मैं अभी लगा लूंगी थोड़ा सा। दिन फटाफट से रेडी होने वाला है, इतना ज्यादा तामझाम मैं करती नहीं हूँ, अगर कुछ स्पेशल करना हो बस तभी। बस हल्का सा मैंने काजल लगा लिया है, आईलाइनर वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया था मैंने, जो कुछ है बस सामने है और कैमरा के सामने है, मिरर में भी नहीं देखा है मैंने। और ये है मेरे पास एक लिपस्टिक है जिसके साथ लाइनर भी है और ये लिपस्टिक भी है, तो इसको मैं अभी लगा लेती हूँ, और ये बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। तो लिपस्टिक भी हमारी लग चुकी है एंड अभी बिंदी लगा लेंगे। आज मैंने शॉर्ट्स वाले वीडियो में इसको इसका लुक क्रिएट करने के बाद ही बनाया था, थोड़ी सी बिंदी मेरी टेढ़ी हो गई थी, तो चलो कोई बात नहीं, लोगों ने इतना माइंड नहीं किया, सबने अप्रिशिएट ही किया है, तो बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास कुछ कंगन थे, इसके साथ ही मैचिंग इयररिंग्स भी थे, वो मैंने पहन लिए। मैं फिर बोल रही हूँ कि मेरे पास जो सामान अवेलेबल था, एक्चुअली के बहुत सारा है, लेकिन वो सारा मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, बाहर नहीं निकाला है, बाहर बस यही कुछ सामान था। तो ये मैंने इसको
लेके ही एक लुक क्रिएट किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और ये भी बहुत प्यारा है, मैंने जयपुर से लिया था ये सारा सामान। ये इयररिंग्स है, अब इयररिंग्स पहन लेते हैं इसके साथ की मैचिंग। और ये है जैसे मांग टीका होता है ना हमारे, इसको बोर बोलते हैं आई थिंक, अगर कोई राजस्थान से है तो वो मुझे बताना ज़रूर। और वो एक गले में पहनते हैं, चोकर बोलते हैं उसको, वो मेरे पास नहीं था, मैं लेती लेती रह गई, बहुत गलती हो गई मुझसे, ले लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जयपुर जाएंगे तो ले लेंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है ये मेरा लुक, आपको कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं, और कुछ क्रेज़ी किया जाए यार। घर पे बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो रहे थे तो मुझे लगा थोड़ा सा मेरा दिमाग चलता रहता है रात को भी, अरे ये कौन सी वीडियो बनाई जाए जो लोग बहुत अच्छे से पसंद करें। वैसे तो आप सब लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हो। तो ये देखिए सिर पे दुपट्टा रखे, ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैं सच बताऊँ ये कोई 7-8 किलो का तो होगा ही होगा, मेरे भार से ज़्यादा ही होगा। तो ये मैंने उसके बाद पहन लिए नथनी, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। हमारे हिमाचल में भी नथनी पहनी जाती है लेकिन ये आर्टिफिशियल वाली है, तो इसके बिना तो राजस्थानी लुक अधूरा सा लगता है, मुझे ऐसे लगता है जैसा कि देखते हैं हम लोग। तो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना मुझे। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और ये साइबा शूट कर रही है, अच्छा किया है इसने शूट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।